हेलो एवरीवन, आज फिर देखते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कार्बन और उसके यौगिक। कक्षा 10 विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं क्लास 10 में, वो भी हिंदी मीडियम विज्ञान में, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक नोट। वन कार्बन को क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेथ। टू कार्बन को क्या पढ़ते हैं? एथ। ये सब बेसिक है, इसको लेकिन जानना जरूरी है। थ्री कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप। फोर कार्बन या चार कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और पांच कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और छह कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सेवन कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। और आठ कार्बन को क्या बोलते हैं? आक्ट। और नौ को क्या बोलते हैं? नोन। और दस को क्या बोलते हैं? डेक। इतना बेसिक याद रखना है। वन को मेथ, एथ, प्रोप, म्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन, डेक, कहीं भी होगा इसका यूज हम कर लेंगे। चलते हैं, ये पहला नोट था। दूसरे नोट देखते हैं, ये याद रखेंगे मेथ, एथ, प्रोप, म्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब प्राइमरी चीज है। दूसरा नोट देखते हैं। अब क्या है, जैसे हम बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन में क्या याद रखना है, क्या होगा? पहली बात तो सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, बस एल्केन में। एल्केन की यदि बात करें, एल्केन में क्या होगा? कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन और हाइड्रोजन। एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। एल्कीन में क्या होगा? कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ये हमको पता चलना चाहिए। एल्केन में सिंगल हर जगह, इसमें एक जगह पर डबल और हर जगह सिंगल, इसमें एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और हर जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये हम याद रखेंगे। और एल्केन में हम पीछे क्या जोड़ते हैं? एन। और नेम क्या रहेगा इसका? आईपीएसी एल्केन ही रहेगा इसका, आईयूपीएसी एल्केन रहेगा। इसमें क्या जोड़ते हैं? इन। और इसमें आईपीएसी क्या रहेगा? एल्कीन। इसमें क्या जोड़ते हैं पीछे? अम्लम जिसे बोलते हैं, आयन। और आईपीएसी एल्काइन ही रहेगी, तो ये हमें बेसिकली जान लेना है। आगे देखते हैं इसके तीसरा नोट। अब हम बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का समूह होता है OH। इसमें क्या जोड़ते हैं पीछे? R। इसमें R जोड़ते हैं, तो इसका आईपीएसी क्या होगा? एल्केनॉल। इतना याद रखेंगे। OH जोड़ते हैं और क्या होता है पीछे? क्या जोड़ते हैं? R और एल्केनॉल, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह जिसे बोलते हैं, क्या होता है? सीएचओ। क्या जोड़ते हैं? अल।
आईपीसी क्या होती है? एल्केन नल। इसकी आईपीसी क्या है? एल्केन नल। एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? सी डबल ओ एच। इसमें पीछे क्या होता है? ओएक एसिड। आईपीसी क्या होती है? एल्केनोइक एसिड। इसमें क्या जोड़ते हैं पीछे? आल। आईपीसी क्या है? एल्केनॉल। एल्डिहाइड में क्या होते हैं? इसकी आईपीसी क्या है? एल्केनल। एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह जिसे बोलते हैं COOH। एल्डिहाइड क्या है? CHO। एल्कोहल क्या है? OH है। पीछे क्या होते हैं? ओएक एसिड। आईपीसी क्या है? एल्केनोइक एसिड। छठवां ईथर। ईथर को लिखते हैं ROR। आईपीसी होती है एल्कॉक्सी एल्केन। ये हमारी ईथर की कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO। इस तरह से लिखते हैं इसको RCOR, ऐसे लिखते हैं। और पीछे का जो होता है इसमें अनलग्न क्या होता है? ओन, जैसे हम पीछे जो होते हैं। आईपीसी क्या होती है इसकी? एल्केनोन। आईपीसी क्या है इसकी? एल्केनोन। पीछे क्या जो होते हैं? ओन। इसको याद रखेंगे। अब हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की बात, तो हेलो एल्केन को क्या लिखते हैं? आर एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयो। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयो, तो इसे पढ़ते हैं ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयो। आर बी आर लिखा है तो इसे पढ़ेंगे ब्रोमो एल्केन। आर सी एल लिखा है इसे पढ़ेंगे क्लोरो एल्केन। आर एफ लिखा है इसे पढ़ेंगे फ्लोरो एल्केन। आर आई लिखा है इसे पढ़ेंगे आयडो एल्केन। यह भी याद रखेंगे ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयडो। और यदि हमारा किसी कार्बन चेन में साइड में ये लगा है CH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल या मेथिल। साइड में यदि ये लगा है CH3 CH2, इसे पढ़ते हैं हम लोग एथिल। और ये याद रखेंगे इसे ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, आयडो एल्केन, इसे मेथिल एथिल। ठीक, अगला नोट देखते हैं। एस्टर। आर सी डबल ओ आर, इसको क्या आईपीसी लिखते हैं? एल्किल एल्केनोएट। क्या लिखते हैं इसको? एल्किल एल्केनोएट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब इसका यूज कर लेंगे। ये इसका आईपीसी नेम है। पीछे क्या होता है इसमें? ओ एट। इस बात को याद रखें, ये इसका आईपीसी है। और पीछे क्या जोड़ेंगे? ओएट। तो देखते हैं इसमें आगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक कार्बन का एल्केन लिखो,
ये क्वेश्चन है सिंपल था। तो एक कार्बन तो हमने बना लिया, एक कार्बन लिखा, इस कार्बन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? याद रखेंगे चार होती है। हाइड्रोजन को याद रखेंगे, हाइड्रोजन की कितनी होती है? एक होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन की याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी अभी आगे। दो होती है और ये किसकी है? कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन अपने चारों ओर कितने बंद बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा? चार। और हाइड्रोजन कितने बना सकता है? एक मैक्सिमम। ऑक्सीजन कितना मैक्सिमम बना सकता है? दो। इससे ज्यादा बॉन्ड चारों तरफ नहीं बनाएगा। तो एक कार्बन का एल्केन लिखना है तो हम क्या करेंगे? कार्बन एल्केन में क्या होता है? सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन, हर जगह हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। ये एक कार्बन का एल्केन हो गया। एक कार्बन मैंने पीछे बताया हुआ है, क्या पढ़ते हैं? मेथ। इसमें जोड़ते क्या है? पीछे एन, तो क्या हो गया? मेथ और प्लस एन क्या हो गया? मेथ। इसका नेम भी हो गया। यदि हम दो कार्बन की बात करें तो दो कार्बन लिख दिया हमने। अब इसमें कितना बॉन्ड है यहाँ पे? एक ही है। कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? तीन। इधर 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 भी तीन लगा दें। अब दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। पीछे लिखा हुआ है, देखना, एन जो होते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। इसी तरह से, इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिया एक कार्बन का, और भी देख सकते हैं इसमें एथ प्लस है, एथेन हो गया। इसी तरह से यदि हमने तीन कार्बन ले लिए, सारी जगह सिंगल होगा क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं, सिंगल, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? चारों बॉन्ड कितना? एक है, तीन लगा देंगे। इसके चारों दो हैं, इसमें दो और लगा देंगे। इसके चारों और एक है तो तीन लगा देंगे। तीन को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या जोड़ देते हैं? एन, तो क्या होगा? प्रोपेन हो गया। इसी तरह से चार कार्बन को लिखना चाहें तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार में ब्यूट। इधर कितने बॉन्ड है? एक, तो तीन हाइड्रोजन लगा देंगे। इधर दो लगा देंगे, इधर भी दो लगाएंगे, चारों तरफ चार हो गए, इधर एक ही है तो तीन लगा देंगे। तो चार को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसी तरह से हम पांच कार्बन का बना सकते हैं। यहां कितने हाइड्रोजन? 60 में देखो, तीन जोड़ देंगे। यहां दो है तो दो जोड़ देंगे, यहां भी दो जोड़ देंगे, ऐसे पीछे समझा चुका हूं बॉन्ड से। यहां दो है तो यहां दो जोड़ देंगे, यहां भी। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? पांच दिख रहा है। पांच को क्या बढ़ते हैं? पेंट। पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। इसी तरह छह कार्बन की बात करें, यहां कितने? एक ही बॉन्ड है, तीन जोड़ देंगे। यहां कितना? दो। यहां दो बॉन्ड है, दो जोड़ देंगे। यहां दो, यहां भी दो, यहां कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन है। हेक्सेन हो जाएगा। छह साठ में क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। चार तीन चार तीन हाइड्रोजन, इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर दो, अब सामने आ चुका होगा। पांच छह हेप्टेन, इस तरह से हम बना सकते हैं एल्केन में सिंपल स्ट्रक्चर, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक तरह से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एल्कीन। एल्कीन के आयन कैसे निकलते हैं? इसमें सबसे पहले हमने क्या पीछे पढ़ा हुआ है कि एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड एक जगह पे, और एल्कीन शुरू होती है दो कार्बन से, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब से हाइड्रोजन लगेंगे, चार बना सकते हैं इसके चारों, दो हाइड्रोजन
ये बन गया एक दो तीन चार। क्या बढ़ते हैं इसको एक क्या जोड़ते हैं ई, इसमें क्या जोड़ते हैं ई, ये क्या हो गया एथीन, इसका दूसरा नाम एथिलीन भी है, इसका सामान्य एथिलीन भी है। तीन कार्बन के लिए हम बात करें, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, दो बॉन्ड है दो लगा देंगे, यहाँ कितने दिख रहे हैं हमको तीन, तो यहाँ एक ही लगाएंगे, यहाँ एक दिख रहा है तीन, यहाँ से एक दो तीन, तीन कार्बन है प्रोप, तीन को क्या पढ़ते हैं प्रोप, पीछे पड़ा हुआ है तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये प्रोटीन हो जाएगा। इस तरह से ये एल्कीन का एक एसिडेंट। आगे देखते हैं फोर कार्बन की ले लेंगे, ऐसा भी ले सकते हैं फोर कार्बन में, यहाँ भी लगा सकते हैं डबल वन, यहाँ पे हाइड्रोजन दो ही लगेंगे, यहाँ तीन बॉन्ड है एक लगेगा, यहाँ पे दो लगेगा, यहाँ तीन लगेगा, यहाँ तीन एक एक, यहाँ से नंबर एक, जहाँ से डबल बॉन्ड पास होगा वहीं से चलेंगे एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर। अब कितना कार्बन है चार, तो ब्यूट हो गया, ईन हो गया, ब्यूटीन हो गया, वन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन वन हो गया, या इसी को लिखते हैं ब्यूट, दूसरा लिखने लगते हैं वन ईन लिख देते हैं, बीच में वन ले आते हैं, ये भी ले सकते हैं वन टू थ्री, दूसरे से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो क्या लिख देंगे ब्यूट टू ईन लिख देंगे, या ब्यूटीन टू लिख देंगे, इस तरह से ब्यूटीन टू हो जाएगा। अगला एल्काइन के IUPAC नेम लिखो, आंसर एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और कितने शुरू होता है कम से कम दो कार्बन, ये लिख दिया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं एक आयन जोड़ देते हैं इसमें, ये क्या हो जाएगा इथाइन, इसका दूसरा नाम है एसिटिलीन। इसी तरह से तीन कार्बन की एल्काइन की बात करें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, कितना बॉन्ड दिख रहा है थ्री, एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ कितना बॉन्ड दिख रहा है एक दो तीन चार, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ एक तीन है टू थ्री, तीन कार्बन है प्रोप प्लस आयन, क्योंकि इसमें आयन जोड़ते हैं तीन कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं, ये प्रोप आयन है। तो इस तरह से एल्काइन का नाम ले सकते हैं। हेलो एल्केन के आई पे सी ने लिखी, इसमें देखिए हेलो एल्केन क्या होता है RX, एक्स का मतलब क्या है BRCl IF, देखते हैं CH3Cl वन नंबर, एक ही कार्बन है, इसका क्या लिखते हैं हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इन द सेंस है यदि R Br है ये हो जाएगा ब्रोमो एल्केन, और यदि RCl है ये हो जाएगा क्लोरो एल्केन, और RF है ये हो जाएगा क्लोरो एल्केन, और RI है ये हो जाएगा आयडो एल्केन। इतना हमको याद, R का मतलब यहां कार्बन नहीं समझना केवल, तो क्लोरो एक ही कार्बन है, क्लोरो एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगी क्लोरो मेथेन, और इसका दूसरा नेम सिंपल क्या है ये मिथाइल है और इसको क्लोराइड बोलेंगे, दूसरा नेम
मेथिल क्लोराइड। सीएस3 की आप भी बात करें, एक ही कार्बन है, इसे क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। इसे एक कार्बन है तो मेथेन पढ़ेंगे, ब्रोमो मेथेन, या इसको मेथिल ब्रोमाइड पढ़ेंगे। इसी तरह से सीएस3 आई लिखा हो, एक ही कार्बन है, इसे आयोडो इसे मेथेन पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? आयोडो मेथेन। या मेथिल आयोडाइड, क्योंकि ये मेथाइल समूह है, ये आयोडाइड है, सिंपल नेम है इसका। आगे देखते हैं इसमें, जैसे CH3 CH2 Cl 1 2, ये क्या हो गया? क्लोरो, दो कार्बन है, एथेन हो जाएगा। CH3 CH2 Br 1 2, इसे क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। इसे क्या पढ़ेंगे? एथेन। ये ब्रोमो एथेन हो जाएगा। वैसे ये क्या है, पीछे देख चुका हूं मैं इस बारे में, इथाइल। ये क्या है? क्लोराइड। सिंपल नेम क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। इसका सिंपल नेम क्या है? इथाइल। ये क्या हुआ? ब्रोमाइड। और ये नेम क्या था? ये क्या था? आई बेसिक था। ये क्या था? आई बेसिक। आगे देखते हैं, एल्कोहल के आयन पेशी है, लेकिन एल्कोहल का कैसे बनाते हैं? एल्कोहल क्या लिखते हैं? ROH। इसका क्रियात्मक समूह क्या है हमारा? OH। ये क्रियात्मक समूह। क्या जोड़ते हैं इसमें? R। क्या जोड़ते हैं पीछे? आओ, आईपीसी क्या है इसकी? एल्केनॉल। आईपीसी क्या है? एल्केनॉल। और क्या जोड़ते हैं? ये क्या है इसका? आईपीसी नेम। और ये क्या जोड़ते हैं पीछे? इसे बोलते हैं अनुलग्न। इसे क्या बोलेंगे? अनुलग्न। इसमें देखते हैं हम CH3OH, एक ही कार्बन है, तो क्या बोलते हैं? मेथ। आर जोड़ देंगे तो क्या हुआ? मेथेनॉल। CH3 CH2 OH 1 2, दो कार्बन है, क्या पढ़ते हैं? एथ। और आर जोड़ देंगे तो क्या हुआ? एथेनॉल। तीन कार्बन ले लें, CH3 CH2 OH। अब दो कार्बन के बाद नंबर डालना शुरू कर देंगे। यहाँ तक नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, प्रोपेनॉल 1 पर OH लगा, प्रोपेनॉल 1 लेते हैं, प्रोपेनॉल 1 लेते हैं। और इसका सिंपल नेम क्या लिखेंगे? ये मिथाइल है, ये एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। ये क्या एथेन है? ये एल्कोहल है, क्या लिख देंगे? एथेन एल्कोहल। ये क्या प्रोपिल है? सिंपल में क्या है? सिंपल नेम है प्रोपिल। ये सब आई पी सी थे, प्रोपिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड आई पेसी है, लिखिए। एल्डिहाइड में क्या समूह होता है? क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। ये क्या है? क्रियात्मक समूह, जिस पर क्या डिपेंड करते हैं? उसके रासायनिक गुण।
देखते हैं, पाइलाइडिहाइड SCHO एक कार्बन का, और इसमें क्या जोड़ते हैं, इसका आईपीसी क्या होता है, पीछे लिखा हुआ था एल्केनल, और इसमें जोड़ते क्या है अल, ये अल, इसमें अम्लन मतलब पीछे जोड़ना क्या है अल, आईपीसी क्या है एल्केनल, एक ही कार्बन है तो क्या लिख देंगे मेथेनल, क्योंकि एक ही कार्बन है जोड़ देना मेथेनल, और इसका सिंपल नेम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से CH3CHO दो कार्बन, इसे क्या लिखेंगे एथेनल, और इसका सिंपल नेम क्या है एसीटल्डिहाइड, इसका सिंपल नेम क्या है एस्टल्डिहाइड, 1 2 एथेनॉल आईपीसी, एथ जोड़ते हैं अल जोड़ते हैं, तो ये दोनों आईपीसी, ये सिंपल नेम है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है सी डबल एच, इसमें अनुलग्न है जिसे पीछे जोड़ते हैं वो क्या होता है ओएक एसिड, जिसे हम पीछे जोड़ते हैं वो ओएक एसिड। आईपीसी क्या होती है, आईपीसी है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। एक कार्बन का एसिड लेते हैं सी डबल ओ एच, एक ही कार्बन है तो क्या इसकी आईपीसी हो मेथ, और क्या जोड़ देंगे ओएक एसिड, तो क्या होगा मेथेनोइक एसिड। वैसे इसका सिंपल नेम क्या है फॉर्मिक एसिड, ये सिंपल नेम है, क्या वैसे आईपीसी क्या मेथेनोइक एसिड। CH3COOH 1 2 दो कार्बन एथे नोएक एसिड हो जाएगा, ओ एक जोड़ देंगे और होता क्या दो कार्बन एथ पढ़ते हैं एथे नोएक एसिड। और वैसे इसका सिंपल नेम क्या है एसिटिक एसिड, कितना याद रखेंगे। कीटोन, कीटोन के आईपीसी नेम लिखिए, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है सी, वैसे लिखते कैसे हैं इसको आर सी ओ आर, आर मतलब कार्बन से ही समझोगे, एक या दो कार्बन इधर लगा सकते हैं एल्केन समूह हो जाता है बाद में बोलते हैं इसको। इसमें अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या जोड़ते हैं ओन, आईपीसी क्या है इसकी एल्केनो, एल्केनो। आईपीसी हो जाएगी एल्के, अब इसमें लिखते हैं पहला CH3COCH3 1 2 3 प्रोप, तीन कार्बन क्या पड़ेंगे प्रोप ओन जोड़ देंगे तो क्या होगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। या इसी को लिख सकते हैं दो नंबर पे CO आ रहा है तो प्रोपेनोन 2 लिख सकते हैं। और सिंपल नेम क्या है इसका एसीटोन, एसी कौन क्या है ये सिंगल है और ये क्या है आईपीसी। अगला लेते हैं ये लिखा 1 2 3 4 दूसरे नंबर पर सी आ रहा कितना कार्बन है 4 4 तो ब्यूट प्लस ओन ब्यूटेनोन,
और दो नंबर पे सीओ है क्या पढ़ेंगे ब्यूटेनॉन टू, यहां पे सीओ लगा दिया या यहां पे लगा दिया सीएच थ्री तीन हाइड्रोजन दो यहां पे दो एक दो तीन और यहां से भी एक दो तीन पढ़ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव पांच पांच कार्बन है क्या पढ़ते हैं पांच को पेंट क्या जो बोलेंगे उसमें ओन तो पेंटेनोन किस नंबर पे है थ्री तो क्या हो जाएगा जी पेंटेनोन थ्री इस तरह से कुछ हाबोले याद रखेंगे नंबर एक सीएच थ्री ओ एच इसको मेथेनल कहेंगे या मेथिल एल्कोहल कहेंगे दूसरा सीएच थ्री सीएच टू ओ एच इसे एथेनल कहेंगे या एथिल एल्कोहल कहेंगे तीसरा एस सी एच ओ इसे फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे या मेथे सॉरी ये एथेनॉल कहेंगे इसको इसको मेथेनॉल सॉरी इसको मेथेनॉल कर लेना ये एल्कोहल है आज मोड़ेंगे ठीक है मेथेनॉल और ये क्या है मेथेनॉल कहेंगे ये एल्डिहाइड में अल्कोहल है सी एच थ्री सी एच ओ इसको सिंगल नेम है एसीटल्डिहाइड इसे क्या कहेंगे और क्या कहेंगे एथेनॉल कहेंगे आईपीसी क्या कहेंगे ये हमको याद रखना है मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड एस्टरडिहाइड या मेथेनॉल एथेनॉल मेथेनॉल एथेनॉल आगे देखते हैं HCOOH मेथेनोइक एसिड या इसी को हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड सिंपल है CH3COOH दो कार्बन है क्या बोलेंगे क्या लिखेंगे इसको एथेनोइक एसिड या इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव ये एथाइल है और ये क्या होता है एसिटेट इसे पढ़ेंगे एथिल एसिटेट ये एथाइल होता है इतना पार्ट सी एस थ्री से डबल ओ क्या होता है एसिड एथाइल एसिड सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए ये सोडियम है और ये एसिटेट है दिस इज सोडियम दिस इज एसिटेट क्या पढ़ेंगे सोडियम एसिटेट एन ए एच टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे ये याद रखना है Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे CH3CH2ONa सोडियम एथॉक्साइड पढ़ेंगे ये सोडियम है और ये क्या एथॉक्साइड इस सारे नियम हमें याद कर लेने हैं जिससे हम रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं है तो अगले वीडियो में इसके रिएक्शन सीखते हैं।